हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लें पहले, उसके बाद सेकंड वीडियो देखें। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आगे जितने भी नंबर हैं वो नेचुरल नंबर है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर जैसे कि -1, -2, -3 है ना, ऐसे -1, -2, -3 और इससे जितने कम है वो। और फिर हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि कौन से नंबर ग्रेटर हैं। अगर नंबर लाइन पर हम लोगों ने देखा था कि नंबर लाइन अगर एक कर लेते हैं और ये 0 है, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और इधर -1, -2, -3, -4। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि कौन नंबर बड़ा है। तो हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड से चलते थे। लेफ्ट साइड से जो पहले आ रहा है वो नंबर हमेशा छोटा होगा, और जो राइट साइड में उसके बाद आएगा तो वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोगों देखा था कि अगर -2 और 2 में कंपेयर किया जाए तो -2 छोटा है। तो हम लोग ऐसे लिखते थे -2 is less than 2, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 is greater than -2। और अगर हम लोग कंपेयर करें -1 और 3 में, तो ऑब्वियसली जब हम लोग लेफ्ट साइड से आएंगे तो -1 पहले आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 is less than 3, क्योंकि -1 पहले आ रहा है लेफ्ट साइड में, पहले ही मिल गया और 3 बाद में मिला, इसलिए 3 बड़ा है और -1 छोटा है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर ये नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव नेचुरल नंबर है। अभी हम लोग डेसिमल को छोड़ देते हैं, 1.5 जैसे था इसको भी बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। ये नेचुरल नंबर है भी नहीं, ये डेसिमल नंबर है। तो हम लोग अभी ये दोनों नंबर लेके कुछ ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एडिशन से। एडिशन, तो एडिशन में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि जब दो पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर्स जब ऐड करेंगे तो क्या होगा। पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को ऐड अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, और दूसरा करेंगे कि अगर नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा। नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, और अगर एक पॉजिटिव नंबर हो गया और एक नेगेटिव नंबर हो गया तो उस दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये हम लोग आज देखेंगे। नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव या पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेम है। चौथा हो सकता है कि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, बट वो थर्ड के बराबर ही रहेगा। तो हम लोग एडिशन पहले पढ़ लेते हैं। इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ेंगे कि जब दो पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब दो नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग आज अभी पढ़ लेते हैं पहले एडिशन दो पॉजिटिव नंबर के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, और अगर पॉजिटिव नंबर दोनों पॉजिटिव रहे तो हम लोग जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा। तो एग्जांपल वन करते हैं, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा कि जैसे 2 + 3 = क्या होता है, 5। ये 2 क्या है, ये 2 नेचुरल नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है, और ये 3 भी पॉजिटिव नंबर है, और बीच में प्लस का साइन है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नंबर के बीच में। तो 2 + 2 हो गया 5, ये आसान है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि 2 + 3
थ्री तो ये तो हो गया, 2 प्लस 6 करते हैं तो 2 प्लस 6 8, ये एडिशन तो आप लोगों को पता होगा ना बिल्कुल। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, मान लो आपके पास 2 चॉकलेट है, पापा ने 3 चॉकलेट और लेके आ गया, 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट 3 चॉकलेट दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, इसी तरह से ऐड करेंगे। और थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं धीरे धीरे, जैसे 23 प्लस 5, तो ये कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसमें 23 और 5 को यहाँ लिखेंगे ऐसे करके, यहाँ पर प्लस कर देंगे, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे हम लोग, 23 और 5 ऐसे, ये तरीका गलत है, ये इस तरह से ऐड नहीं होता। जब भी जब हम लोग कुछ करते हैं तो 5 को इस तरफ राइट साइड में लिखते हैं और फिर हम लोग ऐड करते हैं। तो अब ऐड करेंगे 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, और फिर 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, तो 5 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, यानी कि 23 प्लस 5 इज इक्वल टू 28, इतना शायद आप लोगों ने अभी पढ़ रखा होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा और एग्जाम्पल कर लेते हैं, अगर 27 प्लस 8 आ गया तो क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे 27 प्लस 8, कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, फिर इसको ऐड करते हैं तो 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 क्या होता, 15, 7 प्लस 8 होता 15, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, तो 15 आ गया, तो 15 में ये 5 जो है यहाँ पर लिख देंगे और एक को अभी मन में रखेंगे कि एक अभी बाकी है, एक यहाँ लिख नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से है, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे 2 प्लस, ये कितना है, 2 प्लस 0 यानी कि 2, और प्लस 1 3, तो यानी कि 27 प्लस 8 इज इक्वल टू हो गया 35। अब 2 डिजिट का भी ले लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं 52 प्लस 37 तो क्या आएगा, तो हम लोग देखते हैं 52 प्लस 37, यहाँ दो दो डिजिट का है, तो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 और 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू हो गया 89। एक और ले लेते हैं, 72 प्लस 1 एंड 8 है ना, अब इसको ऐड करके देखते हैं, 72 प्लस 18 ये कितना आएगा, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आता, 2 और 8 10, तो यहाँ 10 का लिखेंगे, 10 है, 10 में ये लिख देंगे और ये बाकी रहेगा, तो 10 का 0 हो गया, फिर एक बाकी है, एक अभी मन में रखेंगे, फिर 7 प्लस 1 क्या होता, 8, 8 और ये 1 यानी कि 9, यहाँ पर 9 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 9 और 0 90। तो ये सब एग्जाम्पल है, शायद ये सब आपको आता होगा अभी एडिशन में। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव और पॉजिटिव को ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ और अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो और भी देख लेते हैं, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, चलो 7th से देख लेते हैं, 7th में अगर हम लोग भारी भरकम ऐड करें, 2 3 7 6 प्लस 5 2 8 2, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो चलिए हम लोग जैसे सीखे हैं वैसे करेंगे, 2 3 7 6 प्लस 5 2 8 2, इसको ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 और 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 5, 7 प्लस 8 होता है 15, 15 को 5 लिखेंगे और एक को मन में रखेंगे, फिर 2 प्लस 3 प्लस 2 5 और फिर एक है बचा हुआ, तो यहाँ पर होगा 6 और फिर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, यानी कि ये नंबर हो गया आंसर में 7 6 5 8। अच्छा, ये तो 4 4 डिजिट का है, अगर दोनों बराबर नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, अगर लेते हैं 5 2 7 8 प्लस 3 2 4, तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर क्या करेंगे, तो जैसे हम लोग बताया 5 2 7 8 यहाँ पर लिखेंगे और 3 2 4 इधर से लिखेंगे, 3 2 4 यानी इधर से लिखना शुरू करेंगे 4 2 3, और फिर एडिशन करेंगे, फिर बता रहा हूँ कि 5 2 7 8 प्लस 3 2 4 ऐसे प्लस
हम लोग नहीं करेंगे। ये जो ये है ये तरीका गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 है, आप करोगे यहाँ नीचे कोई है ही नहीं, आपको लगा कि यहाँ पर 0 कर देता हूँ, तो 8 + 0 8, 7 और 4 = 11, 11 का 1 लिख देंगे, और 2 2 4 और फिर 1 बचा हुआ तो 5 और 5 3 8, ये आंसर गलत है। और जैसे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 8 + 4 = 8, प्लस 4 कितना होता है 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 मन में रहेगा, और 7 2 9, और 9 अब प्लस 1 मन में है तो 10, और फिर से 10 आ गया, फिर 2 डिजिट का आ गया, तो 10 में से फिर 0 लिखेंगे, और फिर 1 मन में रखेंगे, और 2 + 3 5, और +1 6, और फिर 5। तो ये सही आंसर है, ये सही आंसर है, ये गलत आंसर है ना। यहाँ पर होगा आंसर 5 6 0 2। जब भी लिखेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड से शुरू करेंगे, इधर से यहाँ से इधर से शुरू नहीं करेंगे, तो ये सही तरीका है। चलो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी एडिशन जो पढ़ा वो पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जब दो नेगेटिव नंबर आए तो कैसे करेंगे। अच्छा, इसको हम लोग नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं, जैसे ये है 2 + 3 है ना, 2 + 3 ये है, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, और यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 0। हमने क्या किया था, 2 + 3 = क्या हो गया 5। अच्छा, मतलब कि पहले 2 करो फिर 3 करो, पॉजिटिव में ही। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, 0 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग 2 जाएंगे, 1 और 2 यहाँ पहुँच गए, फिर बोला कितनी 3 और ऐड करो, तो फिर 3 इधर जाएंगे, तो 1 2 3 ये 5, देखो 5 है यहाँ पर, है ना। उसी तरीके से हम लोग ये 2 + 6, 2 + 6 क्या है, तो पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे 2, और फिर 6 जाएंगे यहाँ पर से, तो 1 2 3 4, 4 तक ही है, 5 और 6 अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पर 7 भी रहेगा और 8 भी रहेगा, तो 2 + 6, 2 यहाँ तक, फिर 6 और ऐड करना, तो 1 2 3 4 5 6, देखो 8 तक आ गया है ना, तो इसका आंसर 8 है। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर भी करते हैं। चलो तो हम लोग फिर ये हम लोग का खत्म हो गया। अब ये देखते हैं कि जब दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि जब नेगेटिव प्लस नेगेटिव ऐड करते हैं तो क्या होता है। नेगेटिव नंबर्स, एक तरफ नेगेटिव नंबर और फिर दूसरे तरफ भी नेगेटिव नंबर रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने देखा, समझो बात को, 2 + 2 कर रहे थे तो हम लोग का 4 आ रहा था, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग से कोई पूछे कि दो नेगेटिव नंबर्स, यानी कि अगर कोई -2 रहे और फिर प्लस रहे, ये वाला प्लस यहाँ पर है, और फिर नेगेटिव नंबर को लेना है, यानी कि मान लो -3 लेना है, तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर अब दिक्कत होने वाला है, तो इसको भी हम लोग, ये भी आसान है, इसको भी समझ लेंगे और फिर ये भी आसान हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे कि जब भी, अच्छा इसको ब्रैकेट का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर तो ब्रैकेट नहीं डाल रहे थे, ये इसको बोलते हैं ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट को बाद में पढ़ेंगे। और भी बहुत तरह का ब्रैकेट होता, एक बिग ब्रैकेट होता, फिर एक मिडिल होता, और फिर एक स्मॉल होता, इसको बाद में पढ़ लेंगे। बट यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट बीच में कहाँ से आ गया, तो ब्रैकेट का ये है कि जैसे हम लोग यहाँ पर 2 + 2 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 2 = 4। ये ब्रैकेट का यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे और कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मान लो कि यही लिखना होगा, अगर हम लोग इसको इसको ऐसे ही लिखते हैं कि -2 और प्लस और -3, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता कि यार अब प्लस और माइनस बगल बगल में है तो क्या करें नहीं करें, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पर एक ब्रैकेट दे दो और बोल दो कि ये प्लस अलग है और ये माइनस अलग है, और यहाँ भी ब्रैकेट दे दो, यहाँ यहाँ अगर नहीं दोगे तो चलेगा,
लेकिन यहाँ पर देना ही पड़ेगा। अगर ऐसे लिखे माइनस टू प्लस माइनस थ्री तो ये चलेगा, इसका आंसर सही सही निकल सकता है, बट इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा सबको, इसलिए ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं ताकि क्लियर हो जाए, बाकी ब्रैकेट का इतना बड़ा यूज है नहीं फिलहाल। तो ब्रैकेट का केवल हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि ताकि हम लोग को पता चले। अच्छा, ये ब्रैकेट का मतलब कभी कभी मल्टीप्लाई भी होता, टू इंटू थ्री ऐसे करके भी लिख सकते हैं, अगर टू इंटू थ्री हो गया तो हम लोग सिक्स लिख सकते हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं वैल्यू सिक्स है, कहीं कहीं क्या, इसको भी टू और इंटू थ्री ऐसे अगर लिखेंगे तो ये भी सिक्स है, कभी ये टू इंटू थ्री का के बराबर होता, यानी कि ये जो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई का काम करता, ये तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई का काम करता, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का दो यूज है, ये तो मल्टीप्लाई का भी काम करेगा और ये दिखने में अच्छा लगे और कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए भी यूज करते हैं। तो अब आते हैं सवाल पर कि सवाल कैसे करें, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टू प्लस माइनस थ्री, दोनों का आंसर जो है बराबर ही आएगा। अब हम लोग एडिशन करते हैं, तो एडिशन में क्या होता है कि माइनस टू जब भी दिखे और माइनस थ्री दिखे, जब भी माइनस में कोई चीज दिखे तो मानो कि हम लोग पीछे जा रहे हैं नंबर लाइन पर, है ना। नंबर लाइन हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ जीरो होता तो यहाँ वन होता या टू टू होता, तो इधर इधर माइनस वन होता और इधर माइनस टू, यानी हम लोग जा रहे हैं पीछे। अच्छा, तो अभी क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, एक चलो एक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, इसको याद करना पड़ेगा, समझ भी सकते हैं, जब एक बार याद हो जाएगा तो समझ में भी आ ही जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं कि जब भी प्लस और प्लस दिखे ब्रैकेट में, यहाँ जैसे यहाँ क्या है माइनस है और यहाँ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस दिखे एक साथ तो क्या करेंगे, और माइनस दिखे तो क्या करेंगे, और प्लस और माइनस दिखे तो क्या करेंगे, इसमें ये भी कर सकते हैं माइनस और प्लस दिखे तो क्या करेंगे, यही यही इतना ही हो सकता है, या तो आपको माइनस माइनस आएगा, फिर या तो प्लस प्लस आएगा, या फिर एक प्लस या एक माइनस, या फिर माइनस प्लस, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो जब भी प्लस और माइनस आए, इसको मल्टी इंटू करते, बोला ना कि ये ब्रैकेट कभी कभी मल्टीप्लाई का भी काम करता, तो ये मल्टीप्लाई का है, तो माइनस और प्लस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू इंटू इंटू, अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर इसमें भी ब्रैकेट यूज कर लेंगे, ये हम लोग नया चीज पढ़ रहे हैं, इसमें ध्यान देना है ऐसे करके। तो जब भी एक माइनस और एक प्लस दिखे तो हमेशा माइनस ही लिखेंगे उसके बदले, ये दोनों के बदले में हम वहां माइनस लिख देंगे, और यही है दोनों बराबर ही है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दिखे तो वहां माइनस ही लिखेंगे, और जब दो पॉजिटिव लिख मिले तो वहां प्लस लिखेंगे, और एक निगेटिव और एक दूसरा भी निगेटिव मिले तब भी वहां पॉजिटिव ही लिखेंगे, जब दोनों बराबर हो तो पॉजिटिव और एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो निगेटिव। अब इसका यूज, इसको नोट कर लो, ये काफी काम आएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब एक पॉजिटिव और निगेटिव रहे, पॉजिटिव और निगेटिव रहे तो निगेटिव, या फिर निगेटिव और पॉजिटिव रहे तो निगेटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव, या फिर निगेटिव निगेटिव भी रहे तो भी पॉजिटिव। चलो इसको याद कर लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा था, फिर से बता रहा हूँ, नेचुरल नंबर पढ़ा था 2 + 2, इसमें दोनों पॉजिटिव नंबर था, अब हम लोग दोनों निगेटिव नंबर को लेके एडिशन कर रहे हैं, यानी कि -2 और -3, ठीक है, -2 है और प्लस है और -3 है, -2 लिख दिए। अब हम अभी क्या बताया कि यहाँ प्लस है और यहाँ निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव अगर रहे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव यहाँ है, ये क्या होना चाहिए माइनस, तो ये दोनों के बदले में हम लोग माइनस लिख देंगे, और फिर क्या है थ्री, अब क्या होगा, अब थोड़ा सा लग रहा है आसान हो गया, अभी भी माइनस माइनस है, हम लोगों ने भी प्लस प्लस पढ़ा है,
जब भी माइनस दिखे और माइनस दिखे, अब ये आसान हो गया। अब इसको नंबर लाइन से देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर जीरो है अभी, फिर यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है। इसको लिख लो कि माइनस टू माइनस टू, माइनस टू और माइनस थ्री क्या होगा, माइनस फाइव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड कर देना है और साइन निगेटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों निगेटिव है तो निगेटिव 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 ही रहेगा। अच्छा, ये निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव बताया, लेकिन यहाँ जो निगेटिव निगेटिव है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये एडिशन हो रहा, या सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, एडिशन हो रहा है यहाँ पर। देखो, थोड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है। जब मैं बचपन में था तो इसको सीखने के लिए शायद बहुत दिन लगा था, बहुत कन्फ्यूजन होता था। आप लोगों को भी होगा, लेकिन सीख लेंगे। जब भी ऐसा रहे तो पहले हम लोग इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल का मतलब ये हो गया। अच्छा, ये भी सिंपल नहीं, सिंपल तो हम लोग के लिए ये था कि 2 + 2 बोलो, या फिर 2 - 2 बोलो, या 3 - 2 बोलो, ये सब हम लोग को आता है। बट ये -2 और -3 नहीं आता है, तो इसको -5 लिखेंगे। अच्छा, इसको मतलब क्यों लिखेंगे, ये समझो बात को। देखो, नंबर लाइन से हम लोग समझ सकते हैं। माइनस, ये 4 लिखा, ये 2 लिखा, ये 1 लिखा, और ये जो -1 -2 -3 -4 और यहाँ -5, चलो -6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 5, यहाँ 6। तो हम लोग नंबर लाइन का क्या यूज है, नंबर लाइन को जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब 0 से स्टार्ट करते हैं तो 2, तो यहाँ से गए 2, फिर बोला नहीं 2 और आगे जाओ, तो फिर 2 और आगे गए तो 4 आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 लिख दिए, यहाँ 4 लिख दिए, है ना। इसको थोड़ा इंक अगर चेंज कर लें तो ज़्यादा समझ में क्लियर आएगा। इंक कलर को ब्लैक कर लेते हैं कुछ देर के लिए। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 कैसे आया, कि 0 से बढ़ के 2 गए और फिर 2 गए, क्योंकि 2 + 2 था। तो इसी तरह से हम लोग 2 - 2 और -3 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो बोला इसमें था कि +2, तो इसलिए हम लोग प्लस की तरफ गए थे, यहाँ है -2, तो हम लोग माइनस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और -2 की तरफ जाएंगे, यहाँ -2 पहुंच गए। फिर क्या है, फिर है -3, तो माइनस है तो फिर उल्टा में ही चलेंगे, तो यहाँ से फिर उल्टा में ही चलेंगे, तो यहाँ से फिर स्टार्ट किया और फिर 3 गए, यहाँ से 1, 2 और 3। अब कहाँ पहुंच गए, देखो यहाँ ये क्या है, ये -5 है, इसलिए इसका आंसर -5 हो गया। मैं आप लोग को दो तरीके से बता रहा हूँ, एक नंबर लाइन से और एक सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, नंबर लाइन से एक बार समझ लिए तो कभी दिक्कत नहीं होगा। दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग मेन फोकस था कि जब दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो दो नेगेटिव नंबर को हम लोगों ने इस तरह से लिखा, और इसको सिंपल तरीका से हम थोड़ा सॉल्व करके हम लोगों ने इस तरीके से लिखा -2। और ये जो हम लोगों ने बताया, मैंने बताया कि इसको नोट कर लो, जब भी पॉजिटिव निगेटिव दिखे तो निगेटिव, और एक पॉजिटिव पॉजिटिव दिखे तो पॉजिटिव, और निगेटिव निगेटिव दिखे तो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव था, इसीलिए यहाँ पर आया निगेटिव। और अब ये थोड़ा सिंपल में हो गया, और -2 और -3 हो गया -5, ठीक है। तो इसका ये -5 आंसर हो गया, तो इसको यहाँ पर -5 लिखेंगे। जब दो निगेटिव नंबर को ऐड करने पर ऐसा आता। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से तो कुछ नहीं होने जा रहा। एग्जाम्पल नंबर 2, -1 और -3 इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, सिंपल फॉर्म में देना है ना, सॉरी 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 सॉरी, इसको पहले जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से करेंगे हम लोग। -2
और प्लस माइनस थ्री, अभी माइनस यही तो क्वेश्चन था ना, हम ले गए थे, दूसरा ले लेते हैं यार, रुको एक इरेजर ले लेते हैं। एक ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, माइनस वन प्लस माइनस थ्री, क्या है? हमने बताया कि ये भी नेगेटिव नंबर है और ये भी नेगेटिव नंबर है, हम दोनों को ऐड करना है, तो क्या है ये, इसको लिखेंगे माइनस वन, फिर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव जब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, यही तो बताया, जब पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लिख दिया, और फिर थ्री है तो फिर थ्री लिख दिया, है ना, और फिर इज इक्वल टू, अब आ गया माइनस थ्री और माइनस फोर, ठीक है, तो इसको लिखेंगे माइनस फोर, देखो माइनस फोर, जब भी दो सेम में रहे तो दोनों को ऐड कर दो और नेगेटिव ही साइन रहेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव ही है, पर समझने में दिक्कत हो रहा होगा बट ऐसे होता है, और चलो नंबर लाइन पर से इसको समझते हैं, वन है, टू है, थ्री है, फोर है और यहाँ फाइव है, चलो फिर यहाँ जीरो है, यहाँ माइनस वन है, यहाँ माइनस टू है, यहाँ माइनस थ्री है और यहाँ माइनस फोर है, यहाँ माइनस फाइव है, ठीक है, और क्या है क्वेश्चन, माइनस वन, तो जीरो से जाना है माइनस वन की ओर और फिर जाना है माइनस थ्री की ओर, यहां से माइनस थ्री डिस्टेंस, तो वन, यहां से जाएंगे वन टू और थ्री, तो अब कहाँ पहुंच गया, माइनस फोर पर, देखो माइनस फोर है, अच्छा मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस वन और माइनस थ्री है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस को, ये दोनों में माइनस है ना, तो माइनस को बाहर ले सकते हैं, अब अंदर बच गया प्लस और यहां भी बच गया प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस हो गया और ब्रैकेट के अंदर तीन एक चार, ये तो आसान है, और फिर बाहर कर देंगे तो माइनस फोर, ऐसा हम लोग इसलिए लिख पा रहे हैं, चलो इसको एक्सपेंड करके देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस वन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर, ये हो सकता है लेंदी है बट ये समझने के लिए एक और तरीका है, सॉल्व कैसे करते हैं, जब दोनों बराबर हो तो दोनों को ऐड कर देंगे, जब ये माइनस हो ये भी माइनस हो तो दोनों को ऐड कर देंगे, तीन और एक चार और साइन रहेगा माइनस, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, माइनस फाइव और माइनस सेवन, या फिर ऐसे करके पहले कर लो, माइनस साइन और माइनस फाइव को ऐड करना है, तो इसको हम लोग क्या सिंपल फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, माइनस और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस सेवन, अब इसको लिखेंगे सिंपल सा है, जब दोनों बराबर हो तो सात और पांच क्या करते हैं, बारह ऐड कर लेते हैं और ये माइनस लिख देते हैं क्योंकि दोनों में माइनस ही है, तो ये तरीका है, इसको नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं कि माइनस पांच जाना है, इधर से माइनस पांच जाएंगे और फिर इधर से माइनस सात जाएंगे इस तरफ, यहां से आए माइनस पांच की ओर, फिर वहां से माइनस सात की ओर गए तो माइनस बारह पर, यहाँ पर देखेंगे माइनस बारह लिखा हुआ है, तो ये तरीका है, चलो अभी एक ही बार मैंने समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आया तो तब भी कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा, तो हम लोगों ने पढ़ लिया आज, ये पढ़ लिया पॉजिटिव पॉजिटिव और जब निगेटिव निगेटिव रहे तो ये भी पढ़ लिया, अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता, जब तीसरा पढ़ लेते हैं आज कि पॉजिटिव और नेगेटिव रहे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहे, पॉजिटिव नंबर और
उसको एडिशन करते हैं नेगेटिव नंबर से, तो पॉजिटिव नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। पॉजिटिव नंबर मान लो ये 5 ले लिए, फिर प्लस ये वाला प्लस यहां पर आ गया, और नेगेटिव नंबर लेना है यानी कि -3। तो ये तो और आसान हो गया, तो 5 को 5 लिख दिए और प्लस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। बताया भाई, प्लस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से लिख लो, अगर प्लस रहे और माइनस रहे तो आएगा माइनस, या फिर माइनस रहे या प्लस रहे तब भी आएगा माइनस, और अगर प्लस रहे और प्लस रहे तो आएगा प्लस, और माइनस रहे और ये भी माइनस रहे, इनटू है ये सब, तो ये भी होगा प्लस। तो यहाँ पर है प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस। तो 5 लिख दिए फिर -3, ये तो निगेटिव, तो फिर 5 में से 3 घटाना है तो ये कितना आएगा, 2। इसको भी नंबर लाइन पर देखेंगे, ये तो हम आसान हो गया, इसका मतलब क्या, एक ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और फिर 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। इधर भी चले जाते हैं, -1, -2, -3, और भी चला जाएगा, जरूरत से नहीं है अभी। तो 5 है, यहाँ से इसने बोला कि 5 जाओ, एक 5 क्या है, क्या है, प्लस है, तो यानी कि इस तरफ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पहुंच गए। फिर उसने बोला 3 जाओ, 3 अब क्या आगे नहीं जाना है, यहाँ क्या है, माइनस है, तो 3 वापस आना है अब यहीं से, तो 1, 2, 3 वापस आ गए। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ वापस आ गए, यहाँ देखो क्या है, 2 है, इसलिए 2 आंसर है, यानी कि ये सही आंसर है। तो इस तरह हम लोग जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, या फिर एक नेगेटिव या पॉजिटिव हो, तो हम लोग ऐसा करते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं, मान लो 7 और प्लस -10, ये क्या हुआ, तो ये 7 को 7 लिखेंगे और प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस को क्या लिखते हैं, माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया और फिर 10 हो गया। चलो ये क्या होगा, अरे भाई ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, ये तो 7 में से 10 कैसे घटेंगे, आपके पास 7 है फिर उसमें से 10 घटाना है, ये तो अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो चलो पढ़ते हैं, नंबर लाइन तो हम लोग के पास सही हमेशा के लिए। यहाँ पर है 0, फिर यहाँ है 1, फिर यहाँ है 2, फिर 3, 4, 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, और फिर इधर भी मान लो -1, -2, और फिर -3, और यह -4। इसने बोला 10, 7 प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 7 आगे जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे गए, और फिर वहां से बोला कि 10 अब पीछे आओ, ओ जी बाप रे, तो 10 यहाँ से पीछे आना है, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही हुआ यहाँ पर, फिर 10 जाना है, तो 8, 9 और 10 यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ देखो क्या है, -3 है, इसलिए यहाँ इसका आंसर भी होगा -3। ठीक है, ऐसे भी देख लो, 7 -10 में क्या है, -3 होता दोनों को। अच्छा, हम यहाँ पर हम लोगों ने क्या ट्रिक क्या बताया था, कि अगर कुछ भी दिखे तो बिना सोचे समझे क्या करते हैं, जब दोनों सेम रहे तो दोनों को ऐड कर देते हैं, और जो साइन है वो माइनस कर देते हैं। देखो जब दोनों सेम रहे ना, 2 + 2 क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और फिर साइन देखते हैं, यहाँ भी साइन देखते हैं, लोग देखते नहीं है पहले से, यहाँ भी साइन है और दोनों प्लस है तो इसलिए प्लस लिखते हैं, और अगर -2 और -2 है तो हम लोग बताया कि यहाँ पर लिख दो 2 + 2 4 लिख दो, और दोनों माइनस है तो माइनस लिख दो, ऐड करना है, जब दोनों सेम हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो ऐड करते हैं और फिर जो साइन रहता वो लिखते हैं, ये कब होता, जब दोनों सेम रहता, लेकिन यहाँ सेम है नहीं, यहाँ डिफरेंट है,
तो डिफरेंट में माइनस कर देते हैं, 5 में से 3 माइनस कर लो तो 2 होगा, या फिर 7 में से 10 माइनस होगा, नहीं तो 10 में से 7 माइनस कर लो तो 3 होगा। अब यहाँ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये पता करते हैं। तो जो बड़ा होगा उसमें देखते हैं कि ये साइन क्या है, माइनस है तो माइनस होगा, इसमें बड़ा में क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। और हम लोग नंबर लाइन से भी देख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं अभी बताऊंगा, रुको फिर से एक और पहले सवाल कर लेते हैं। एक और सवाल है कि जब पहले निगेटिव नंबर रहे और फिर यहाँ हम लोग क्या ले रहे थे, पहले पॉजिटिव ले रहे थे फिर निगेटिव ले रहे थे, पहले एक निगेटिव ले लेते हैं -6 और फिर प्लस कर लेते हैं 3 से, तो क्या इसको करेंगे, इसको तो सिंपल -6 + 3 लिख सकते हैं, तो इसका क्या होगा आंसर, -3। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यानी कि यहाँ डिक्रीज होगा, यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके 6 में से 3 गया, अभी साइन देख, साइन छोड़ दो, 6 में से 3 गया तो बचा 3, और साइन देखेंगे कि क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखेंगे 3 और 6 में बड़ा कौन है, तो 6 है, तो इसलिए 6 के आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग लगेंगे, और यही हो गया अपना आंसर। देखो सिंपल सा ट्रिक है इसका, इसको नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं, नंबर लाइन भी आपको हो सकता है, नंबर लाइन आपको ज़्यादा आसान हो, बट जब बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो नंबर लाइन काम नहीं आएगा। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर है -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसने बोला -6 जाओ, तो यहाँ से -6 की ओर गए, फिर बोला +3 जाओ, ओहो अब इस तरफ जाना है +3, तो यहाँ से +3 करेंगे, 1, 2 और 3, देखो कितना कहाँ पर आ गया, -3, इसलिए -3 आंसर है। तो देखो अभी शायद टाइम हो गया आधा घंटा, पर चलो इसको समराइज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगले वीडियो में कर लेंगे, अभी हम लोग एडिशन और सब एडिशन ही पढ़ रहे हैं अभी, तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ स्टार्ट, एक्चुअली एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हम लोग पढ़ लिए हैं, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं हम लोग घटा ही रहे हैं, और चलो उसको भी अलग से देख लेंगे। तो इसको हम समराइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। सिंपल सा है कि हम लोगों ने बहुत तरह का, 3 से 4 तरह का क्वेश्चन किया। एक है सिंपल, 7 + 3, 3, तो क्या होगा, 10 होगा। अच्छा कंफ्यूजन ना हो, इसको यहाँ पर ही प्लस लिखो, कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन फिर भी प्लस लिखो, तो 7 + 3 = 10 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों बराबर है, प्लस और प्लस, और इसलिए प्लस करेंगे, प्लस कर दिया, 7 + 3 = 10, और अब देखो कि साइन दोनों का बराबर है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा -7 और -3 क्या होगा। अभी भी देखो दोनों का साइन सेम ही है, जब दोनों का साइन सेम हो तो प्लस ही करते हैं, तो प्लस किया, अब साइन क्या था, तो माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। इसको बात को मन में डाल लो, जो हम अभी सोच सोच के जो हम सवाल कर रहे हैं, वही तुम भी, तुमको भी सोचना पड़ेगा कि देखेंगे कि 7 + 3 = 10, ये तो हम लोग को पता है, बट कैसे हो रहा, क्योंकि 7 और 3 में जो ये जो दोनों साइन है, प्लस और प्लस दोनों है, इसलिए हम लोग प्लस करना है, दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसलिए प्लस करना है, जब दोनों सेम हो तो प्लस करना है, जब दोनों साइन सेम हो तो प्लस करना है। अब उसके आगे साइन क्या देना है, तो वो क्या होगा, साइन साइन होगा कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव इसलिए निगेटिव। ठीक है, अगर -7 + 3 करें, अब क्या हो गया, दोनों साइन चेंज हो गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आंख बंद करके माइनस कर देना है, 7 में से 3 घटाना है, तो कितना बचेगा, 4, 7 में से 3 घटाना है तो 4। अब देखो कि 7 और 3 में बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है, तो 7 के आगे साइन क्या है, तो माइनस साइन है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब लिखेंगे -7 कर लेते हैं, +7
और -3, अब क्या करना है? ये देखो दोनों साइन डिफरेंट है, डिफरेंट है यानी कि 7 में से 3 घटाना है तो घटा दो, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ गया। अब इसमें साइन क्या होगा? 7 को देखना है क्योंकि 7 बड़ा है, तो 7 के आगे प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। बस इतना सा ही हम लोगों को आज सीखना था और हम लोग सीख चुके हैं। नंबर लाइन भी एक तरीका है, अभी नंबर लाइन एक केवल समझने के लिए है, जो हम लोग सवाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नंबर लाइन का उतना बड़ा यूज है नहीं। हम नंबर लाइन को इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा आज कि जब दोनों सेम हो तो प्लस करते हैं, दोनों सेम हो तो प्लस करते हैं, दोनों डिफरेंट हो तो माइनस करते हैं, और दोनों डिफरेंट हो तो माइनस करते हैं। अब साइन देखेंगे आगे कि दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो माइनस, 1 प्लस 1 माइनस है तो देखेंगे बड़ा कौन है। तो बड़ा 7 है तो 7 के आगे माइनस था तो माइनस, और 7 के आगे प्लस था तो प्लस। बस इतना सा ही आज पढ़ना है, ये सब इसका आंसर है। शायद वीडियो 30 मिनट से ज्यादा हो गया होगा, तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चीज को अच्छे से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो अगर आपको प्रैक्टिस करना ही है तो आप क्वेश्चन लिख लो कि -10 प्लस 7 क्या होगा। -10 माइनस 7 ये क्या होगा, और -10 माइनस 7 ये क्या होगा, और ये कर लेते हैं 10 प्लस 7 ये क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने सही सही कर लिया तो मान लो कि आपको समझ में सही तरीके से आ गया। अब आप वीडियो को पॉज कर लो और खुद से कर लो। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका आंसर क्या है, अभी आप खुद से करो। तब तक मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ और ले लेता हूँ ब्लैक। तो आप लोगों ने कर लिया, वीडियो पॉज कर लीजिए और कर लीजिए ताकि पता चले कि आप लोगों ने सीखा कि नहीं। ठीक है, तो अब चलो कर लेते हैं। 7 और 10 और 7 है, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव यानी कि माइनस करना है, जब डिफरेंट हो तो माइनस करना है। तो 10 में से 7 गया 3, जब डिफरेंट हो तो माइनस करना है, तो 7 में से 10 गया 3। अब साइन पर ध्यान देना है, तो साइन 10 और 7 में बड़ा कौन है, तो 10 बड़ा है तो इसलिए इसको माइनस आगे लिखेंगे। यहाँ 10 बड़ा है तो यहाँ अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब दोनों साइन सेम है, यहाँ भी सेम है, कुछ नहीं है तो प्लस है, दोनों सेम है तो ऐड करेंगे, 10 और 7 17, और 10 और 7 17, और ये माइनस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो प्लस। बस इसका आंसर यही होगा। तो चलिए आज वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग इसी सवाल को, इस तरह के सवाल कुछ और करेंगे। फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ लेंगे, और फिर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लेंगे, और फिर डिवीजन भी पढ़ लेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लेंगे और सब ट्रैक्शन भी पढ़ लेंगे और डिवीजन भी पढ़ लेंगे। ये सब बेसिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आगे और भी सब जब एरिया पढ़ेंगे, पेरीमीटर पढ़ेंगे, जब इक्वेशन सोल्व करेंगे, जब बॉडमास रूल पढ़ेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसको समझना है, एक दो वीडियो ज़्यादा लगे तो लगे, इसको समझ को आगे बढ़ना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और अगर आपके कोई मित्र हैं तो उसको आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। चलिए, थैंक यू।